नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल घरेलू शिक्षा पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपको शरीर के अनचाहे तिल मस्सों को कैसे हटाना है जड़ से, उसके बारे में मैं आपको आज बताऊंगी। फ्रेंड्स, आज का मेरा ये वीडियो अनचाहे तिल मस्सों को हटाने के लिए है। तिल और मस्से प्रायः सभी के शरीर में होते हैं। फ्रेंड्स, तिल और मस्से तो अनचाहे शरीर पर आ जाते हैं, तो तिल मस्से शरीर के किसी भी हिस्से पर हो वो हमारे शरीर की खूबसूरती को खराब कर देता है। फ्रेंड्स, अगर आपके भी शरीर पर मस्से व तिल हो गए हैं तो इसे जड़ से कैसे मिटाना है वो नुस्खा मैं आज आपको बता रही हूँ। यकीन मानिए फ्रेंड्स, अगर आप इस नुस्खे का इस्तेमाल करेंगे तो आपको 100% तिल मस्से से छुटकारा मिल जाएगा। तो अगर आप भी अनचाहे तिल और मस्से से छुटकारा पाना चाहते हैं तो मेरे वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल घरेलू शिक्षा को सब्सक्राइब कर लें। जब भी मैं आपको यूजफुल वीडियो अपलोड करूं तो आप उस नुस्खे का फ़ायदा ज़रूर उठा सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, आप तिल मस्सों को कैसे हटा सकते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। तो फ्रेंड्स, हमारे शरीर में तिल और मस्से हो गए हैं तो उसको हटाने के लिए हमें चाहिए चूना। फ्रेंड्स, ये खाने का चूना है, ये आपको किसी भी जनरल स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा। ये खाने वाला चूना है, तो हमने यहाँ पर चूना लिया है और लगेगा आपको निरमा। फ्रेंड्स, ये निरमा पाउडर है, देखिए फ्रेंड्स, ये कपड़ा धोने वाला निरमा पाउडर है। तो आप इससे अपने शरीर के तिल मस्सों को आसानी से हटा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपके शरीर में जिस जगह पर भी तिल हो गया है या मस्सा हो गया है तो उस पर आप इसे किस तरह से अप्लाई करेंगे वो मैं आपको बता रही हूँ। थोड़ा सा चूना लीजिए और निरमा। तो फ्रेंड्स, ये चूना और निरमा है तो हम दोनों को मिक्स कर देंगे। इस तरीके से आप हाथ से इसे मल दीजिए। फ्रेंड्स, हम चूना में जब निरमा डालेंगे तो ये आसानी से उसमें घुल जाएगा। फ्रेंड्स, चूना जो है वो शरीर में तिल मस्सों को जलाने के लिए बहुत ही फायदेमंद है। चूना और निरमा साथ में तिल और मस्सों को हटाने के लिए बहुत ही फायदेमंद है। फ्रेंड्स, इस नुस्खे से आपके तिल या मस्से जड़ से ख़त्म हो जाएंगे और दोबारा कभी नहीं आएंगे। तो इस तरीके से आप हाथ से लेप बना लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, ये निरमा और चूना जो है वो अच्छे से मिक्स हो गया है। तो आपको इसे किस तरीके से लगाना है वो मैं आपको बता रही हूँ। तो आपके शरीर में जहाँ भी पर मस्से हो गया है या तिल हो गया है तो इस तरह से। तो फ्रेंड्स, आपके शरीर के जिस जगह पर भी मस्से हो गए हैं, तिल या मस्से, तो उस जगह पर आप इस तरह माचिस की तिल्ली से इस तरह उस जगह पर निशान कर लीजिए। जहाँ जहाँ भी मस्से या तिल होंगे उस जगह पर इस तरह से आप निशान लगा लीजिए। फ्रेंड्स, इस तरीके से चूना और निरमा को लगाने के बाद आप करीबन 5 से 7 मिनट तक छोड़ दें। 5 से 7 मिनट के बाद आपके मस्से या तिल हमेशा के लिए हट जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये रहा आज का मेरा वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल घरेलू शिक्षा को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।